तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.50% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 6895 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 6580 और 6190 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 7111 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 7431 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया यहाँ से हमको स्टॉक में आगे एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 7300 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 8200 और 8609000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सेल नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।